ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਤੰਦਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ 720 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। उत्थे स्कूल के बच्चे अपने भविख में लैके काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते बच्चों ने स्कूल के गेट से ताला लगा के सामने बैठ के धरना नुमाइश कर पंजाब सरकार तो मंग की है कि उन्होंने इम्तिहान सिर उत्ते आ रहे हैं, इसलिए स्कूल में अध्यापकों का प्रबंध किया जाए। मेरा नाम अमर क्रांति है और मैं पंजाब स्टूडेंट यूनियन का स्टेट कमेटी मैंबर हाँ। और यह मसला यह है कि आदर्श स्कूल के पिछले लंबे समय तो जोड़ा है वो टीचर की असामियां खाली ने। जिहड़े टीचर पढ़ा रहे थे वो भी सरकार की जिहड़ी स्कीम चलाई है अध्यापक संघर्ष को रोकने वास्ते कि क्लिक करो तो चले जाओ, ऑप्शन पर क्लिक करो तो चले जाओ, उस तहत इतों जोड़े अध्यापक से पांच या सत्त अध्यापक इतों क्लिक करके जोड़े चल गए है। और उन्होंने दिनों क्लिक करके गए है, सरकार ने उन्होंने दिनों स्कीम लेके आँदी जो प्लस वन टू के पेपर सिरते है, दो महीने पेपर रह गया तो इन्हों का भविख जोड़ा वा हूँ इस टाइम खतरे के सरी तो लैके प्लस टू तक एक स्कूल आ। और इतने मेडिकल नॉन मेडिकल भी स्पैशल जोड़ा बैच आ वो चलता वा। और इतने असामिया टोटल 40 ने, जिदे भी तो भी घट रह गई ने हूँ तो जिड़िया भरिया ने, और वह भी ट्रांसफर करा के जाई जा रहा, सत्त रह गया उहदे च भी हुण प्रिंसीपल मैडम ने जिहड़ा हैगा जनवरी दे विच चले जाणा। स्कूल दे गेट उत्ते धरना नुमाइश कर रहे बच्चों ने दस्सिया कि स्कूल विच CBS दी पढ़ाई हुंदी है। इस स्कूल विच 700 तो ज़्यादा बच्चे हैं जिथे सिर्फ 9 अध्यापक हैं। स्कूल विच मैडिकल दे स्टूडेंट भी हैं, जेकर इंज ही पढ़ाई चलती रही तो सारे फेल हो जाएंगे। अंकल मैं 10th क्लास पढ़ती हूँ, प्रोटेस्ट इसलिए करके दे पे हाँ क्योंकि साढ़े स्कूल 27 टीचर ही 27 ओनली 9 टीचर रह गए, उद्दे विचों भी 4 टैंपरेरी टीचरस आ। सो साडी स्टडी का की होगा, असी बोर्ड के एग्जाम देने असी किद्दां देवांगे अगर साडा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, तो साडा किन्ना लॉस होगा, साडा एक साल बर्बाद हो जूगा। सारे ने अपने अपने बारे सोच लिया, साडे बारे किसी ने सोचे ही नहीं। सानू मजबूरी कारण आप अपने हक लई ना लड़े, सानू अपनी मजबूरी कारण हुण सड़क ते उतरना पिया, सानू रोड ब्लॉक करना। सर असी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला भी असी पिछले सैटरडे ये प्रोटेस्ट किया सी कि साढ़े नाल वादा किया सीगा, डीओ साहब आए ही गए कि आपां तुहाडी मंग जो पूरी कर सकांगे, तुहाडे टीचर वापस भेजांगे, पर हले तक उन्होंने 5 दिनों का वादा किया सी, 5 दिन सानू वर्किंग भी दो आपां दित्ते। उत्थे मौके उत्ते पहुंचे डिप्टी DEO गुरनाम सिंह ने दस्सिया कि उन्होंने पता चला है कि अध्यापकों की कमी नूं लैके बच्चे धरने ते बैठे हैं, असी कई बार सरकार नूं लिख के भेजिया है पर कुछ नहीं होया। हुण बच्चों की मंग नूं वेखदे हुए मौके उत्ते 4 अध्यापकों स्कूल विच नियुक्त कर दिता गया है। आने वाले समय के इस तरह की कोई भी मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। अज सानू फोन पर जरा सुनेहा मिलिया कि सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल जो पहला आदर्श स्कूल से कोट धंदल में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, ये प्रोटेस्ट टीचर की घाट कारण से ये असी मौके पर पहुंचे हैं। मेरे नाल तहसीलदार साहब सरदार निर्मल सिंह, DSP अपनी फोर्स समेत, तो पिंड के जिहड़े ने कुछ मोहतबर सज्जन इत्थे आए ने, ये टीचर की घाट कारण प्रोटेस्ट कर रहे थे। असीं मौके पर जिहड़े ने कोई करीब 6 टीचर की कमी सी, मौके पर 4 टीचर जिहड़े ने प्रबंध करता, उन्हां दा 2 टीचर की कमी है वह भी आप अज या सोमवार कर देंगे। तो बच्चों की पढ़ाई जी निरंतर जारी रहेगी। जो प्रोटेस्ट करते इन्होंने पेरेंट्स ने कहा भी आने वाले समय कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, तो टीचर की आप इन्हों कमी नहीं आ देंगे। चकदे TV नाल जुड़े रहन लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।